ये आपका 60D है, ये देखिए फ्लिप डिस्प्ले। अच्छा ये भी फ्लिप डिस्प्ले 60D ब्रांड, ये चेक करो भाई बेल्ट के साथ और बाकी कंडीशन वाइज ऑल ओके। जैसे भैया के आपको मैंने सारे कैमरे दिखाए, कैनन का 200D मिलने वाला भाई बिल्कुल न्यू और मिंट कंडीशन में। ऐसे कैमरे कहाँ मिलेंगे भाई, देख सकते हो बिल्कुल। ये चेक करो भाई बिल्कुल, अभी तक जो है ना भाई इसकी फिल्म भी नहीं उतरी, लेमिनेशन प्रॉपर न्यू कंडीशन है, मिंट कंडीशन में। डी कौन सा भैया 7000, ये देखो भाई D90 मिल जाएगा यार यहाँ पे, जाना माना कैमरा। ये देख सकते हो भाई D90, कितना लेंस था इसका 18-105 700D कैनन जी। एक ये चेक करो 700D मिल जाएगा यार कैनन का भाई, ये भी काफी बेस्ट क्वालिटी में लग रहा है। ये तो भाई जानना माना कैमरा कैनन का 200D, चेक करो यार यहाँ पे पिक्चर। फिर से मेट्रो फोटोग्राफिक्स में, तो यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड हैंड से लेके नया कैमरा DSLR आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ में आप लोगों को सेकेंड हैंड GoPro भी देखने मिलेगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे मुझे GoPro के लिए, तो GoPro आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, वो भी सेकेंड हैंड आप लोगों को देखने मिलेगा। अगर जिसको GoPro Hero 9 सेकंड हैंड में चाहिए, फिर आपका कैनन का 1500D आएगा। 600D चाहिए कम बजट में, कैनन का 600D बहुत अच्छा कैमरा, फ्लिप स्क्रीन माइक ऑप्शन के साथ आपका आएगा। ये कैनन का 700D, इसमें फ्लिप ऑप्शन है, टच ऑप्शन है, माइक ऑप्शन है। 7200 प्रोफेशनल कैमरा है वेडिंग के फोटोशूट करने के लिए, ये आप 35mm के साथ लेंगे। कैनन का 6D फुल फ्रेम कैमरा है, सोनी का 6000, सोनी का अल्फा 6000। फिर आपका आता है निकॉन का Z50, फिर ये जिनको वाइड एंगल यूट्यूब के लिए चाहिए, वाइड एंगल 10-18 लेंस है, 50mm 1.4। फिर आपका ये GoPro Hero 11 है, 11 लेंगे आपका कैनन का 200D मार्क टू ब्रांड न्यू कंडीशन पे, M50 ओनली ब्रांड न्यू कंडीशन। हेलो गाइस, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये थंबनेल में लगा के 150 में ले लो कैमरा, 300 में ले लो, 500 में ले लो, ये सब कैमरा तो मत लो। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि ये सब कैमरा मत लो, अगर फिर भी आपको लेना पूरा एक इरादा बना लियो तो मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ कि लेने से पहले क्या क्या चेक करना है, तो आप वो सब चेक करके फिर उसके बाद कैमरा लो। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप कैमरा देखो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है गूगल पे, गूगल पे आप इजीली मॉडल नंबर मारोगे आ जाएगा प्राइस। सेकेंड थिंग कि वो कितने क्लिक कर चुका है, क्योंकि ये लिमिटेड होती है क्लिक, तो वो देख लेना कि कितनी क्लिक कर चुका है कैमरा। और थर्ड चीज़ कि वो उसका बैटरी निकाल के देख लेना, और उसको टेबल पे ऐसे घुमाना है बैटरी को, वो गोल गोल नाचेगी तो समझ जाना बैटरी डेड है, क्योंकि बैटरी फूल जाती है, थोड़ी सी हल्की फूली होगी तो समझ जाना बैटरी डेड है। सबसे पहले उसका लेंस को खोलना, लेंस को खोलने के बाद देखना उसमें फ्लैश जला के मोबाइल का कि स्क्रैच है या नहीं, अगर स्क्रैच है तो छोड़ देना और नहीं है तो ओके है क्या। ये तीन चीज़ देखने के बाद सोच समझ के उसके बाद अच्छी प्राइस में उसको परचेज़ करना।